वापिस मेरे 19 पॉइंट वो मेरे अगेंस्ट गया और मार्केट वहां से वापिस रिपीट आ गया ऊपर, ऐसे हुआ। सुबह में कॉल के ट्रेंड में बैठा था। अच्छा, कॉल के ट्रेड में, कॉल के ट्रेड में। हाँ जो 10:15 पे हाँ हुआ वो था। सही है, वो सही है, आप लिए थे, समझ गया। सर मुझे ना एक 3 कैंडल है ना, हेलो, हाँ सर, हाँ सर, बोलिए। जो रेड कैंडल नहीं बनेगा कंटिन्यू में 3। ये वाली जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। यही वाली। सर मुझे LTP देखना है इसका वाला। LTP देखना है, प्रीमियम मतलब देखना है आपको। हाँ, LTP दिखाइए ना अच्छा, आप। LTP कैलकुलेटर हाँ कितने बजे से? 11:45। हाँ जी, आप जो टच करते हैं ना जो वॉल्यूम को, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से इतना वो वॉल्यूम अपना प्राइस आएगा, है नहीं तो ये टॉप दिखा रहा था ना ना। LTP, देखिए 24,999 का टॉप दिखा रहा था कि यहाँ से गिर सकता है। कहाँ से सर, कहाँ से, इसमें यही 24,999 दबाएंगे में, आप? ये देखिए, ये 25,000 के कॉल साइड में क्लिक कीजिए, 25,000 का एक्सटेंशन, 24,999। बिल्कुल अच्छा, हाँ फिर उसके सर। बाद। फिर उसके बाद अगर गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है? पहला डाइवर्जन यहाँ तक गिर सकता है, और मैक्स अगर हाँ गिरा तो EOS तक आराम से सकता है, 850 से लेकर के EOS-1 799। मार्केट कहाँ तक आया? सात अच्छा, सौ निन्यानवे तक ही आया, पता कहाँ तक आया? 790 तक आया। 1 मिनट, ये लाइन खिल गई थी। यहाँ तक मार्केट आया, 790 तक, दस जी। पॉइंट और नीचे, मतलब बजे पूरा फुल फॉल आया मार्केट में, पूरा बॉटम। अच्छा, ओके ओके, बिल्कुल सर। ठीक है ना सर। मुझे यानी कि आप रेजिस्टेंस साइड का दबाएं और वो सपोर्ट साइड का दबाएं बटन, है ना, जी, बिल्कुल सर। वॉल्यूम को। इधर पे क्लिक ओके, करेंगे तो ये टॉप मिल ठीक है जाएगा, पुट साइड की वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो ये बॉटम मिल जाएगा, है ना, ऐसा। सर। अच्छा, ठीक है जी जी ठीक बिल्कुल सर। है, ओके ओके सर, थैंक ओके यू। सर, थैंक यू सर। अभिषेक जैन मिल के प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, नमस्कार, बताएं। नमस्कार सर। सर एक सेकंड सर, डाइवर्जेंस और एंड ऑफ डाइवर्जेंस सर, ऑप्शन चेन में समझ नहीं आ रहा। सपोर्ट बताइए कहाँ पर है। सपोर्ट 24,900। सपोर्ट से एक स्ट्राइक प्राइस प्लस कर दीजिए, कौन सी आएगी? 950। तो डाइवर्जन हो गया, अच्छा, US+1। ये क्या हो गया? US+1 बने आपका डाइवर्जन हो गया। यहां से आप रिस्क की कॉल ले सकते हैं, कहां तक के लिए ले सकते हैं? 24,950 के कॉल साइड। ये क्या हो गया? एंड ऑफ डाइवर्जन हो गया, सिंपल। हाँ ठीक है, मान पर लीजिए मार्केट टॉप सर से आ रहा है, तो मान लीजिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो फिर आप मेरे को रेजिस्टेंस बताइए। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 24,25,000। रेजिस्टेंस से -1 की स्ट्राइक प्रेस कीजिए, 24,950। वो डाइवर्जन हो गया। अच्छा, नो डाइवर्जेंस हो गया, मतलब सर 25,000 का जो कॉल है वो तो हो गया, क्या वो हो तो गया ये एक्सटेंशन है, एज। उसकी तो बात ही छोड़ी है, वो तो ये आ रहे हैं। हाँ, तो 25,000 का जो पुट है, पुट साइड है, उसको भी तो हम डाइवर्जेंस कह सकते हैं ना। वो तो टारगेट है उसका, मतलब वो डाइवर्जन है। हाँ ठीक है सर, एक बार वो 6 काइंड ऑफ रिवर्सल का जो चार्ट है उसको खोलोगे? ओपन कर दिया मैंने। सर इसमें जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसके नीचे जो डाइवर्जेंस लिखा है, तो ये हो गया UR-1। UR-1। अब देखिए, ये UR-1 भी हो सकता है और रिस्की लेवल भी हो सकता है, बट मतलब ये एक नेचुरली UR-1 है ना। हाँ, ये डाइवर्जेंस हो गया UR-1। अब सर फिर से ऊपर गया, जो एंड ऑफ डाइवर्जेंस है उसको तो UR हो जाना चाहिए ना। कैसे ऊपर गया? ये UR-1 सर ही है ना सर। देखिए, जैसे ये पॉइंट हुआ क्या आपका, ये लाइन हुआ एकदम ये EOR, ठीक, ठीक, ये लाइन हो गया आपका EOR-1, तो उससे तो नीचे ही है उस लाइन से। अच्छा, जो एंड ऑफ डाइवर्जेंस है वो UR-1 है, मैं हाँ वही उसको तो UR, है। नहीं, अच्छा उसको ई और उसको, नहीं बोलेंगे, वो ई और -1 ही है। ई और कहाँ पर है? ये जो ब्लैक लाइन का एकदम जो टॉप दिख रहा है ना आपको, ये ब्लैक लाइन जो ऊपर एकदम मुड़ी है, हाँ ये ई और है, और ये ई और -1 है, उससे तो नीचे ही है, अच्छा, सिंपल सी बात है। रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा नीचे सो रहा था इसलिए कॉन्फ्यूज हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं।
ओके सर, ठीक है सर, यही डाउट था, ठीक ओके सर। मकवाना भौतिक जैन मिट करें प्लीज, है। हेलो, बताएं सर। आवाज आ रही है मेरी सर? जी बिल्कुल सर, बताएं सर, क्या सवाल है। मेरा एक सवाल है कि आज जो ट्रेड हुआ वो सी का ईओएस है, वो तो लाइक 20 पॉइंट ऊपर जाने के बाद वो WTB रेजिस्टेंस हो गया था, बिल्कुल सर। राइट? हाँ, तो रब हाँ तभी तो मैंने वो क्या क्या ट्रेड को एंड कर दिया था उस टाइम पर ही, जो हो गया था, तो मैं वो कैप्चर नहीं कर पाया। पर हाउ टू प्रिडिक्ट दैट ईओ इज गोइंग टू बी एट ईओआर, एडवांस लेवल का आई मीन प्रेडिक्शन हाउ टू श्योर श्योर हाउ टू बी श्योर श्योर इन दैट मोमेंट? हमने ऐसे कई केसेस में देखा ही है कि जैसे रेजिस्टेंस WTB था, ठीक, यस कितने टाइम हुए, 10 साढ़े 10 20 के आसपास की बात है। यस एक सेकंड रुकिएगा, अभी नहीं है ना, अभी भी नहीं है, 10 40 करते हैं ना, अभी और होगा ना WTB। यस आपने परसेंटेज को देखा होगा, परसेंटेज बढ़ता भी है घटता भी है। यस परसेंटेज तो पता है। आप सभी लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, सभी घंटे में उसने सपोर्ट क्या हुआ था आज के दिन का, टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ था, ना। यस, तो US-1 तक जाना चाहिए, पर आज तो प्रेशर में नहीं गया, आई मीन नहीं सर, रेजिस्टेंस क्या हुआ था सर आज के दिन में। रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम पे आया एंड देन वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। एक मिनट, रेजिस्टेंस क्या हुआ सर आज के दिन में। रेजिस्टेंस मॉर्निंग का जो 9:15 का था वो टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ एंड देन WTB हो गया, नो स्ट्रॉन्ग हो गया WTB, आई मीन। नो, और जवाब दीजिए थोड़ा सा। मैंने तो बॉटम सर टू टॉप ये शिफ्ट हुआ, ठीक है, रेजिस्टेंस बोर्ड, सॉरी, हाँ बॉटम टू से, सॉरी। तो फिर जब बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ तो स्ट्रेचिंग खिंचाव करेगा कि नहीं करेगा ऊपर की तरफ। सपोर्ट कैसा शिफ्ट हुआ सर, सपोर्ट टॉप टू बॉटम से था वो तो तो ऐसे केस सेम में वही बाजार का बॉटम क्या होता है डिटेल सिनेरियो के हिसाब से। यूएस होता है ना, यूएस होता है। हम एग्जिट पहली बात तो है कि यूएस बॉटम है बाजार का, ठीक। अब आपने परसेंटेज को देखा होगा, आज सपोर्ट जब टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ तो क्या ये स्ट्रांग भी हो गया ना। सॉरी सर, सपोर्ट टॉप टू बॉटम आज के दिन में शिफ्ट हुआ जब, तो स्ट्रांग हाँ भी हुआ कि नहीं हुआ, यस, स्ट्रॉन्ग हुआ था ना। तो वो किस स्पीड से स्ट्रांग हुआ, उस स्पीड को तो देखिए एक बार, कितनी रफ्तार थी ओके, उसकी स्पीड, वही तो मेन चीज है ना, ये मैंने नोटिस किया कई बार ना, हाँ, इधर भी देखिएगा आप, ठीक है ना। अभी देखिएगा, अभी नहीं शिफ्टिंग हुई, कुछ भी अभी नहीं हुआ, सब खेल नया चल रहा है, देखिएगा यस आप सर, अभी देखिए। ओके, सपोर्ट शिफ्ट हो गया टॉप टू बॉटम, 89% दिख रहा है आपको, जी, टाइम कितना है, 9:28 है, 9:28 और आगे करिए, 929, 88, 86, 83, 83, 83, 80, 80, 79, 79, 79, 78, नाउ इट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। हो गया स्ट्रॉन्ग सर, विद इन 50 मिनट 15 मिनट्स में वो स्ट्रांग हो गया है। क्या 1 घंटे का टाइम लिया, नहीं लिया है, क्या कोई 5 घंटे का टाइम लिया, क्या कोई आधे घंटे का टाइम लिया, कुछ लिया। नहीं वो तो SOC नौ में हम काउंट अट्ठाईस करते से हैं ना, 9:42, 9:28 से 9:42 कितना हुआ, हाउ मच टाइम, बारह ऑलमोस्ट मिनट 12-13 मिनट, 12 मिनट। 12-13 मिनट 12-13 मिनट, मतलब सोचिए आधे घंटे से कम, 15 मिनट के अंदर अंदर स्ट्रांग हो गए ना, यस। मतलब दैट इज कॉल्ड कंप्लीट शिफ्टिंग। तो ये स्पीड आपने देखी ना कि कितना तेजी से घटा यार, तेजी से कितना घटा और स्ट्रॉन्ग कर दिया। यस अब ये बताइए, क्या 10:30 बजे, मतलब 10:40 में, क्या ऐसी कोई आपको स्पीड दिख रही है क्या, ये रेजिस्टेंस WTB हुआ और मस्त तेजी से बढ़ रहा हो, ऐसा कुछ है क्या, देखिए एक बार चेक कीजिए, नहीं, वो तो 75, स्लोली एंड ग्रेजुअली 75 चल रहा तो था। स्लो है ना, अब देखिए स्लो है ना परसेंटेज, तो इस यस बात को मैंने कई बार ऐसा देखा है। अब देखिए एक्सपीरियंस की बात है यहाँ पर, कौन सी बात है, एक्सपीरियंस की बात है, इस बात को मैंने ओके। कई बार ऐसा देखा है कि रेजिस्टेंस ऐसे ही स्लो स्लो बढ़ता जाएगा, है ना, स्लो स्लो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, अभी बहुत नहीं बढ़ा, देखिए कुछ भी नहीं बढ़ा, अभी 4 मिनट हो गए यहाँ, कोई 75 का 75 ही है, कुछ भी नहीं, हिल भी नहीं रहा,
यस मैंने ऐसा देखा कई बार बढ़ता जाएगा परसेंटेज, और मार्केट कहाँ पर खड़ा है बताइए थोड़ा सा। मार्केट अभी चौबीस, यूएस में खड़ा है, बॉटम में हाँ खड़ा है। यूएस पर, हाँ यूएस पे सपोर्ट खड़ा है कैसा है, सपोर्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप इस बात को भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि रेजिस्टेंस साइड अगर एसओसी हुआ तो बाजार उड़ जाएगा 25,000 तक, क्योंकि एकदम क्लियर एसओसी वाला सीन बनाएगा, बन यस जाएगा आराम से। ठीक है, सिरा स्ट्रॉन्ग चाहिए ना एसओसी के लिए, यस, ऐसा सही लिए एक स्ट्रॉन्ग चाहिए और एक एक स्ट्रॉन्ग वीक चाहिए, चाहिए एक दूसरे के, एक वीक कोई भी चाहिए। साइड पर। और क्या चाहिए ट्रेड लेने के लिए, क्या चाहिए बॉटम भी तक चाहिए, कि बॉटम बॉटम में भी तक चाहिए, खड़ा है। हाँ, अब मार्केट और खड़ा कहाँ बॉटम पे, पे वही ही था, बॉटम पर खड़ा है। पीओएस पर खड़ा। यस वहीं से मतलब मैंने वो ट्रेड लेना चाहता था, पर मैंने ये समझा कि उस टाइम पर क्या मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है ना, वो मेरे दिमाग में ऐसा था कि वो वीक टुवर्ड्स रेजिस्टेंस वीक हो गया है टुवर्ड्स स्टॉक बॉटम, गिर ही तो जाएगा उन मैंने, सब चीजों हाँ में। तो मुझे ऐसा लगा, तो मैं वो शिफ्टिंग के जो थियरी है ना वो वहां पर स्लाइटली मिस कर गया, आई मीन वो थोड़ा कोई मुझे बात जान नहीं, कोई बात नहीं, गया। मैं लाइव में बता भी रहा था, बट कोई बात नहीं, हम मिस करते हैं, ठीक है ना। यस तो ऐसा बाजार होता है कि रेजिस्टेंस का धीरे धीरे परसेंट बढ़ता जाएगा और एसओसी भी हो जाएगा। और ऐसा करते करते यस पता है क्या होगा सर, जी अभी सुन रहे हैं ना आप मेरी बात को, हाँ हाँ जी ऐसा जरूर करते करते होगा क्या कि मार्केट ईओएस से थोड़ा सा उड़ भी जाएगा और बीच में आ जाएगा, ऐसा कुछ बीट पॉइंट बनाया जाएगा। यस अब जब 1 घंटे हो जाएंगे ना आपके, 11:40 हो जाएंगे, 10:40 से 11:40 जैसे हो जाएंगे ना आपके, यस अब आप वहां से वेट करेंगे कि हाँ सर अब मेरे को बॉटम मिलेगा तो मैं सी लूंगा। फिर बॉटम देगा ही क्यों, जब वो बॉटम लगा के ही आ रहा है, ऐसा करने ही वाला है, तो बॉटम फिर क्यों देगा वापस, उड़ता चला हाँ जाएगा। उड़ गया हुआ ना ऐसा, हाँ वो तो मुझे, वो समझ गया सर, वो तो ये बात मेरे को आगे से ही डिसाइड हो गई थी कि एसओसी आज होगा, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी कम है। एसओसी होने का एक्सपेक्टेशन मैंने कैसे किया कि स्पीड इतनी कम है परसेंटेज डब्ल्यूटीवी की बढ़ने की, ओके okay. स्पीड एक बार ज्यादा होती, रफ्तार बहुत तेजी तेजी होता तो मैं मानता कि हाँ सर रिस्क भी बहुत ज्यादा है। बट ओके यहाँ ओके पर वो मैं दूसरी वहां पर बात, मैं समझ एक और गया। मेजर मेजर रीजन, रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीवी भी हुआ, सपोर्ट स्ट्रांग भी हुआ, बाजार को वापस गिरना है तो टॉप लगा के गिरेगा। यस अब टॉप पूरा कहां तक का लगा सकता है, अगर पूरा टॉप गलती से लगाया तो कहां तक का लगा सकता है, 25,000 तक का, 25,000 तो मार्केट ने किया काम सिंपल, तो इसमें कोई वाली बात ही नहीं है, है ना। यस वो भी था। चलिए ओके सर, और चलिए ठीक है। टॉप पर मैंने एक और चीज थी कि टॉप पर मैं लेना चाहता था कि पुट साइड जाऊं, वो सारे 1.0 के साथ ही था मैं, और सही भी सोच रहा था, पर मैंने क्या सोचा उस टाइम पर कि ओपन इंटरेस्ट देख लेता हूँ, तो मैं 2.0 देखा तो तो ड्रॉप हो नाइन रहे होंगे, हंड्रेड कॉल का, लेटर्स भाग रहे होंगे, और क्या यही हाँ नहीं, कॉल राइटर भाग रहे थे, तो आई सिंपल बात है वॉज सर, सिंपल सी बात है, कभी भी फर्स्ट टाइम पर आपका मार्केट एक्सटेंशन को हिट करता है, पहली बार अगर एक्सटेंशन को हिट कर रहा है तो 2.0 आप देखेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे, वही यस वही हुआ मेरा, यही हुआ, हो गए इसलिए होंगे मैं आप, है वो ना, ट्रेड मिस हो गया, वो मिस ट्रेड कर इसलिए मिस हो देंगे। गया। हाँ वरना अरे आप मैं दोनों श्योर मिस कर शॉर्ट रही था हैं सर। कि स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं श्योर शॉर्ट था कि स्ट्रॉन्ग है तो फिर 1.0 के अगेंस्ट तो मैं हूं ही नहीं, तो मैं ट्रेड में सही डायरेक्शन में बैठ रहा हूँ, आई मीन वो मुझे पता चल गया था, बट वो 2.0 की वजह से ही सब कुछ। चलिए कोई बात नहीं, अभी नए थे आपको, हो सकता है इसलिए ऐसा हो गया। चलिए ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। ओके सर।